हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ऊन है और ये 12 नंबर के क्रोशिया हुक है और एक ये इलास्टिक रबर है। इससे हम आज क्रंची बनाएंगे। ये देखिए, पहले एक नट बना लेते हैं। ये नट बन के रेडी। अब ऐसे पहले इलास्टिक में क्रोशिया हुक लगाएंगे और उसके बाद ऐसे करके इस तरीके से दो चेन बना लिया और ये सिंगल क्रोशिया बनानी है। ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, हमें इसमें इतनी सिंगल क्रोशिया बनानी है जिसमें हमें कि ये पूरा ये रबर जो है कवर हो जाए। इस तरीके से आप देख रहे हैं, और इसको मैं अभी और भी ऐसे खिसका खिसका कर बनाऊंगी और पूरा कर देना है। ये देखिए, इतना स्पेस हो गया। अब इसमें फिर अभी और डबल सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, ये बन गया। और जो सबसे पहले दो चेन बनाया था, उसी सेकंड वाले चेन में ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए हो गया। और फिर तीन चेन बनाना है। तीन चेन बना लिया। और जहाँ चेन बनाया है ना, उसी में हमें 5 या 6 बार डबल क्रोशिया बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। मैंने यहाँ पे 6 बार बनाया है, 5 डबल क्रोशिया और 1 चेन, तो ये 6 हो गया एक ही चेन में। जहाँ हमने सिंगल चेन बनाए ना, उसी वाले जगह पे ये बन गया। अब इसके नेक्स्ट चेन में फिर ऐसे ही 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक ही चेन में हम 6 बार डबल क्रोशिया बना रहे हैं। ये देखिए, ऐसे ही हमें बनाना है। ये देखिए, आधा से ऊपर बन गया है और ये कितना अच्छा ये फूल की तरह बन रहा है। एक ही चेन में हम ज़्यादा डबल क्रोशिया बना रहे हैं, इसलिए ये ऐसे फूल की तरह बन जा रहा है। और ऐसे ही हमें ये जितना भी एक चेन है सब में ऐसे ही कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, ये बन गया। और फिर ऐसे ही थर्ड चेन में इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। और एक बार और चेन बनाकर एक धागे को मैंने काट कर दिया, फिर इसको ऐसे कर देंगे तो ये बंधा गया अच्छी तरीके से। ये मैं इसको अच्छे से बांध दे रहा हूँ ताकि खुले ना, इसलिए मैं बैक साइड में
अच्छे से ये सिक्योर हो गया, अब बिल्कुल नहीं खुलेगा। जो एक्स्ट्रा ऊन है मैंने उसे कट कर दिया। और ये देखिए स्क्रंची कितना अच्छा लग रहा है। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय।